वेलकम बैक टू माई चैनल। आज व्लॉगिंग चैनल पे आप लोगों का बहुत 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 ही स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ, सुबह हो गया, बहुत ही सुबह हो गया था, 9 बज गए थे, तभी मैं निकल पड़ी मेरी फैमिली के साथ। कहाँ जा रही हूँ मालूम है? मैं अभी जा रही हूँ बड़ा बाज़ार। हमारे कोलकाता में एक जगह है जिसको बोलते हैं बड़ा बाज़ार। उधर बहुत सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं वेडिंग के लिए, आपके ख़रीदने के लिए। आप उधर से होलसेल में ख़रीद के आप जाके बेच भी सकते हो। तो आज मैं जा रही हूँ बड़ा बाज़ार, और आज क्योंकि मेरा भाई, मतलब मेरा जो बड़े भाई है, मेरा बिग ब्रदर, उसका शादी है सामने, तो उसके लिए हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें ख़रीदना है, जैसे कि साड़ी वगैरह, गाउन्स, ऐसा कुछ। अभी हम लोग पहुंच गए, थोड़ा सा ही देर है पहुंचने के लिए, तो कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि उधर कैसे कैसे साड़ी मिलती है और कौन से बजट में, आपके बजट में मिलती है कि नहीं साड़ी। तो देख सकते हो पहुंच गए हम लोग इधर, अभी गाड़ी से उतर जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे उस मार्केट में जिधर हम लोग साड़ी खरीदेंगे। ये रहा वो जगह, मुझे जगह का नाम मालूम नहीं है, बैक में लिखा होगा तो मैं उधर से देख के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोल दूँगी। तो ये रहा वो मार्केट के अंदर जो दुकान है, ये है, ये 5th फ्लोर तक है। हम लोग 3rd फ्लोर पे आए, 3rd फ्लोर पे साड़ी है बहुत सारे। तो इधर हम लोग आ गए, देख ही सकते हो पीछे कितने सारे साड़ी आप लोग दिख रहे हैं, और इधर कितने सारे लोग आए हैं साड़ी ख़रीदने के लिए। इधर होलसेल में बिकता है, आप अगर चाहते हो तो जाके आप दुकान से, मतलब इधर से होलसेल पर ख़रीद के आप बाहर जाके बेच भी सकते हो। तो ये रहा मेरे फैमिली इधर बैठे हैं, और वो अंकल को मैंने बोला था, मतलब हम लोगों ने बोला था कि साड़ी दिखाने के लिए, तो अभी वो तात का साड़ी लेके आ रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि शादी वाला है तो शादी में ज़्यादातर तात का साड़ी पहना जाता है हमारे बंगाली लोगों के अंदर। तो ये रहा तात का साड़ी, देख लो आप। इधर मैंने लिख दिया है कि कौन सा साड़ी कितने पैसे में मिल रहा है। ऑरेंज वाला जो साड़ी देख रहे हो आप, तात का साड़ी, इस वाले साड़ी को मेरे भाभी ने चूज़ किया है, क्योंकि वो बहुत ही गोरे हैं, तो उनके उस मैंने उन पे ये वाला साड़ी बहुत अच्छे लगेगा, वो नीचे वाला जो ऑरेंज शेड है। दाम बहुत ही सस्ता है, देख ही सकते हो, मैंने लिख दिया है 800 रुपीज़ है ये वाला साड़ी। जितने भी साड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। सस्ता हो तो क्या हुआ, लेकिन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मतलब 1A+। ये देख ही सकते हो 680 रुपीज़ का है ये साड़ी, जितने भी साड़ी इधर दिख रहे हैं आपको।
बहुत भारी शाड़ीटा देखते पारो इधर भाल लग जाएगी इधर हाल का आज से इधर वाला ही साड़ी आप देख लीजिए कितना सॉफ्ट है। अगर हाँ आप इसको मुट्ठी में लेते ना ये आपके मुट्ठी में आ जाता है पूरा का पूरा साड़ी। ग्रीन वाला साड़ी आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था मैं ले लूँ लेकिन मेरा कोई काम नहीं है साड़ी से। सॉफ्ट था, मैंने जब इस पे हाथ लगाया ना ये बहुत ही सॉफ्ट था साड़ी। इतना अच्छा इतना कम दाम में इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा कपड़ा में हम लोगों को साड़ी मिल रहा है तो हम लोग पूरा कन्फ्यूज हो गए थे। हम लोग यही सोच रहे थे कि कौन सा वाला साड़ी ले तो मेरे भाभी कन्फ्यूज हो गए मेरे वजह से, मैं भी कन्फ्यूज हो गई थी। तो लास्ट में उन्होंने दूसरा वाला साड़ी छोड़ के ये रेड एंड येलो वाला साड़ी उन्होंने चॉइस किया था। देख सकते हो आप लोग, मैं क्या ही बताऊँ, आप सामने अगर देखते ना आप लोग भी इसके प्यार में पड़ जाते, इतना सॉफ्ट है इतना अच्छा ये वाला साड़ी। तो लास्ट में उन्होंने ये वाला साड़ी ले लिया, मैंने भी ऐसे ही सेम वाला एक येलो पिंक में ख़रीदा था मैंने भी एक साड़ी। उन्होंने बहुत ही अच्छा लगेगा वो जब ये पहनेंगे, लेकिन क्या ही करें इतने साड़ी है ना, तो सारे कोई भी लड़की कोई भी मम्मी हो आंटी हो सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। और मेरे भैया तो पूरा का पूरा पागल हो गए हम लोगों को देख के कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। और ये वाला है वो वाला साड़ी, देख ही सकते हो आप रेड एंड येलो वाला जो मेरे भाभी ले रहे हैं अभी, और सेम वैसे ही मैंने पिंक और रेड में लिया। और ये है, हम लोग ऊपर आ गए थे साड़ी देखने के लिए क्योंकि मुझे भी साड़ी ख़रीदना था, तो इसलिए हम ऊपर आ गए साड़ी देखने के लिए। देख ही सकते हो बहुत सस्ते में साड़ी मिल रहा था। इसी में मेरे मम्मी को एक स्लेट कलर मतलब ऐश कलर की साड़ी पसंद आई थी लेकिन शादी में पहनेंगे ना इसलिए वो उन्होंने ये नहीं लिया। स्लेट कलर कलर दिखाओ ना, ये स्लेट कलर देख बे এরকম কালার নেই হ্যাঁ সেটা হ্যাঁ এরকম কালার এই যে 37 38 দিলে পাবে এটা তো চলছে একটু ভালো দিয়ে দিন কাপড়টা আর ডি ফোর কা কি সুন্দর এই একবার সাইড করে তো ভিডিও কল চলছে আর ব্যাটারি এর কি মেরে ফোন ये टू कलर वाला तो साड़ी ये नीचे दिखाई पूरा কত বড় টু कलर वाला तो है ही डिस्काउंट ओ
पहले हम लोग मम्मी के लिए ये वाला साड़ी देख रहे थे, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा, ऐसा सेम है, इसलिए दूसरे वाले साड़ी हम लोग ले लिए। इधर मेरे भैया देख ही सकते हो थक गए कितना। सब बनारसी है, लेकिन इसका वेट बहुत ही ज़्यादा था, मैं उठा नहीं पा रही थी एक हाथ में, क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन था और एक हाथ में ये साड़ी था, बहुत ही भारी था, लेकिन इस बहुत गॉर्जियस था वो वाला साड़ी, पिंक वाला। तो देख ही सकते हैं ये वाला जो साड़ी है, ये वाला सेम साड़ी मैंने लिया है, लेकिन इसका जो कलर है वो अलग है, मैंने लिया है पिंक शेड में लिया था वो वाला साड़ी, और ये वाला नीचे जो है डार्क ऑरेंज कलर का वो वाला था मेरा साड़ी। इतने साड़ी देखने के बाद लास्ट में मेरे मम्मी ने ये वाला साड़ी लिया। तो अभी आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग घर पहुंच गए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि साड़ी कैसी लग रही है घर में आके। ये सारे जो साड़ियाँ है, ये साड़ी हम लोगों को इस टाइप के वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मिला है प्लास्टिक का। ये रहा, ये है मेरी मम्मी का जो साड़ी है, ये वाला साड़ी है, देख लो आप कैसे लग रहा है ये वाला साड़ी। इस साड़ी का जो कलर है वो येलो शेड में है, पिंक शेड में है, रेड शेड में है, मतलब इस साड़ी का कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब मेरी मम्मी पहनेंगी तब तो मैं आपको। ये रहा ये वाला मेरा साड़ी है, देख ही सकते हो बॉक्स में ही है ये वाला साड़ी, तो मैं अभी खोल के आपको दिखाती हूँ साड़ी कैसा लग रहा है। ये रहा लास्ट में मेरा जो लास्ट साड़ी है, मतलब जो मैं शादी में पहनूंगी भैया के, ये है वो वाला साड़ी। दिखा इधर, अगर आपको रेड कलर लग रहा है ना, तो ये रेड नहीं है, ये ऑरेंज भी नहीं है, ये पूरा पूरा पिंक भी नहीं है, मतलब इसका क्या कलर है मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये पिंक कलर का ही शेड का है, लेकिन दिखने में ये रेड ऑरेंज कुछ भी लग रहा है, लेकिन ये पिंक कलर का साड़ी है।
और लास्ट में आता है मेरा ये वाला सुंदर सा गाउन जो मेरे भैया ने मुझे दिया है रिसेप्शन में पहनने के लिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा गाउन आपको कैसा लगा। ये मैंने हाथी वगन से ख़रीदा है, ये स्लीपलेस था और उसका जो हाथ पे कपड़ा लगा हुआ है वो उन्होंने उधर से लगा दिया है, क्योंकि उधर आपका फिटिंग्स वेटिंग सब कुछ फ्री में करते हैं वो लोग, तो इसलिए उन्होंने वो लगा दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा गाउन आप ख़रीदें तो आप अगर कलकत्ता में हो तो हाथी वगन ज़रूर जाना, उधर जाके आप खरीद सकते हो। और मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।